लालुंगा विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल मुगडेगा में राज्यपाल अवार्ड उत्तीर्ण स्काउट गाइड ग्रुप लीडर यूनिट लीडर को पुरस्कृत करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक चक्रधर सिंह सिदार के कर कलमों से 76 स्काउट गाइड रेंज रोवर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल अवार्ड उत्तीर्ण स्काउट गाइड ग्रुप लीडर यूनिट लीडर को पुरस्कृत करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन लालुंगा विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल मुगडेगा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक चक्रधर सिंह सिदार के कर कमलों से 76 स्काउट गाइड रेंज रोवर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला एवं विकास खंड के शिक्षा अधिकारी, जन प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सम्मान समारोह भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लालुंगा के द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम आगंतुक सभी अतिथियों का स्कार्फ लगा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मुगडेगा हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान नृत्य प्रस्तुत किया। प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान के पश्चात राज्यपाल पुरस्कार के लिए आयोजित परीक्षा में स्काउट गाइड में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल अवार्ड प्राप्त किया है। आदिवासी बाहुल्य विकास खंड लालुंगा में 76 स्काउट गाइड को अवार्ड मिलना गौरव की बात है और लालुंगा पूरे जिले में अपनी बेहतर कार्यशैली के लिए जाना जाता है। उधर बरमकेला से भारत स्काउट गाइड के प्रशिक्षक पवन नायक ने अपने प्रतिवेदन में कही, सम्मान समारोह को जनपद अध्यक्ष कृष्ण पैकरा, जिला पंचायत सदस्य यशोमती सिदार, संघ के जिलाध्यक्ष विकास तिवारी, भारत स्काउट गाइड के स्थानीय संघ अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठंडाराम बेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वयक देवांगन ने संबोधित किया। विधायक लालुंगा चक्रधर सिंह सिदार ने भारत स्काउट गाइड संघ लालुंगा की तारीफ करते हुए कहा कि आज का दिन विशेष है कि इस बिहड़ आदिवासी जंगल क्षेत्र से 76 छात्र छात्राओं को राज्यपाल पुरस्कार मिला है। स्काउट गाइड ने विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी अपना योगदान दिया है। बच्चों को प्रोत्साहन करने वाले शिक्षक व प्राचार्य को भी संघ द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में विभिन्न खेल विधा से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। आज भारत स्काउट गाइड राज्यपाल सम्मान समारोह लालुंगा विकास खंड में आयोजित की गई थी स्थानीय संघ द्वारा। इसमें लगभग 76 बालक बालिकाएं और 2020 में भी लगभग 50 से ऊपर यहाँ के बालक बालिका राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और ये हमारे लालुंगा विकास खंड की खुशी की बात है कि हमारे विकास खंड में इतने रायगढ़ जिला में इतने बच्ची लोगों का सम्मान मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं विशेष करके ये बात बताना चाहूँगा कि लालुंगा विकास खंड में चाहे स्काउट गाइड से संबंधित हो, चाहे स्थानीय आदिवासी कलाकृति से संबंधित हो, चाहे यहाँ के बच्चे लोगों का खेल कूद क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, यहाँ के बच्चे आज छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे लालुंगा विकास खंड से जो 76 बच्चे राज्यपाल अवार्ड जाँच परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, पिछले टाइम कोरोना काल के कारण इनका सम्मान नहीं हो पाया था, ये बच्चे जो 76 थे जो स्काउट गाइड रोअर रेंजर मिला करके हैं और जिनका आज सम्मान प्रमाण पत्र वितरण किया गया। और ये बच्चे जो है ना प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान विधिवत पूर्ण करते हुए अपना परफॉर्मेंस दिखा करके आज ये सम्मान प्राप्त किए हैं। देखिए आज मुगडेगा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है भारत स्काउट गाइड के संदर्भ में 76 बच्चे 76 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है जो कि राज्यपाल से पुरस्कृत रहे हैं और गत वर्ष भी 75 बच्चों को यहाँ पुरस्कृत हुआ है। यह विकासखंड जो लालुंगा है बहुत स्काउट गाइड के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहा है और विशेष करके कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के भी बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पर खो खो में, कबड्डी में और क्रिकेट में चयनित हुए हैं। तो हम खुशी है कि ज़िले का एक मान और सम्मान लालुंगा विकासखंड से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ था विकासखंड के सभी प्राचार्य, शिक्षक, PTI, CSE, BRC यहाँ पर सम्मिलित हुए थे और एक भव्य आयोजन हुआ है। और मैं इस विकासखंड के सभी जन सामान्य लोगों को, शिक्षकों को और BO, BRC सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम से दूसरे विकासखंड को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने विकासखंड में भी इस प्रकार बच्चों को प्रोत्साहित करें और कार्यक्रम का आयोजन करें। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।